जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर वन जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट होने वाले। यदि हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एक, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से आपको किसने संबोधित किया था, तो यूनानियों ने। याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनानियों ने आपको भारत को इंडिया नाम से आपको संबोधित करा था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर दो, सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना आपको किसने की थी। सांख्य दर्शन शास्त्र की जो आपको स्थापना करी है वो किसने करी है, तो कपिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आपको, कपिल ने सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना आपको की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का आपको अंत हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 13वीं शताब्दी में आपको चोल वंश का जो है आपको अंत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर चार, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपको क्या लगा रहता है, आपका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, उत्तल दर्पण आपको मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपको लगा रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर पाँच, भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था। भारतीय इतिहासकारों ने आपको समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था, तो भारत का नेपोलियन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहासकारों ने आपको नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर छः, किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है। किस शासक को कविराज के नाम से आपको जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से आपको जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सात, विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है। बीबीआई प्रश्न है आपको, विक्रम आदित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से आपको जाना जाता है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आठ, चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का क्या नाम था। जो चंद्रगुप्त के दरबार के महान कवि थे आपको उसका क्या नाम था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास आपको चंद्रगुप्त के दरबार के महान आपको कवि थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नौ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो आपको स्थापना है वो किसने करी है, तो कुमार गुप्त ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कुमार गुप्त ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय की आपको स्थापना करी है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कुमार देवी का देवी कहाँ की राजकुमारी थी। कुमार देवी आपको कहाँ की राजकुमारी थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी आपको कुमार देवी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आपको पहुँचा है। भारत कितनी बार, याद रखेंगे इस प्रश्न को, भारत कितनी बार आपको वनडे क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आपको पहुँचा है, तो तीन बार आपको वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आपको भारत जो है वो तीन बार पहुंचा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसरो का मुख्यालय आपको कहां पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय आपको कहां पर आपको स्थित है, तो बेंगलोर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बेंगलोर में आपको स्थित है इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। आपको मुस्लिम लीग ने जो भारत विभाजन की मांग करी है वो कब करी थी, तो 1940 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने आपको भारत विभाजन की आपको मांग की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में आपको स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट आपको होती है। 1 किलोबाइट में आपको कितनी बाइट होती है, 1024 बाइट होती है आपको 1 किलोबाइट में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो आपको 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया आपको क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण आपको हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको कहाँ पर स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे मुंबई में आपको स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपको भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है आपको, तो राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च आपको सेनापति होता है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में आपको सबसे पहले सूर्य आपको किस राज्य में निकलता है, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत में आपको सबसे पहले सूर्य आपको निकलता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष आपको कौन था। वीवीआई प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, जो प्रथम लोकसभा के आपको अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला, जीवी मावलंकर आपको प्रथम लोकसभा के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, रतौंधी किस विटामिन की कमी से आपको होता है। रतौंधी आपको किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपको रतौंधी का जो प्रॉब्लम होता है वो किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कागज का आविष्कार आपको किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार जो है वो आपको किस देश में हुआ है, तो याद रखेंगे चीन देश में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन देश में आपको कागज का आविष्कार हुआ है, किस देश में, तो चीन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला आपको अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला आपको अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। आपको वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में आपको सबसे अधिक जो है वो प्रतिशत है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो ऐसा है वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कर दे। हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।